टाइम न्यूज समूह की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर जिले में भी गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ गरिमामय रूप से आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। दरअसल गणतंत्र दिवस के समारोह में बीएसएफ, आरएपीटीसी, प्रथम वाहिनी, 15वीं वाहिनी सहित 14 दलों द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की गई। वहीं समारोह के दौरान विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा राज्य शासन की योजनाओं कार्यक्रमों पर आधारित नैनाभिराम झांकियां निकली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई राह पर है। इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। गणतंत्र दिवस की आप सबको, मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों को, इंदौर के भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार का जो समाज के सबसे पीछे सबके नीचे उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विश्व के पटल पर भारत का गौरव उनके नेतृत्व में बढ़ रहा है और भारत धीरे धीरे विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति की एक नया इतिहास हम रचने वाले हैं। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास और प्रगति के जो काम किए हैं वो जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं, साझा करेंगे। विकास और प्रगति का एक नया इतिहास हम लिखने वाले हैं। मैं फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रसिद्ध करता हूँ।